हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चे आप सब? स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और यू कैन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द फीमेल, कि फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो हमने डिटेल में स्टडी किया था। और हमने ये भी बात की थी वहाँ पर कि जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स देन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके कुछ कारण आपको बताए गए थे। कारण क्या था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैज़ टू रिसीव द स्पर्म एंड आल्सो हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म थ्रू इट एंड प्रोवाइड द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, वो भी सारे के सारे कहाँ हो रहे हैं? दे अकर्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। सो दैट्स वाई this female reproductive system is more complex. Now today in this lecture we will study more about the, you can say, female reproductive structure. Now today our topic of discussion is sexual cycles in females. aaj hum padhenge bachcho, bada hi important topic hai, sexual cycles in female. बड़ी इंपॉर्टेंट सेक्सुअल साइकिल है फीमेल के अंदर, जिसकी हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है। देखिए बच्चों, सेक्सुअल साइकिल का मतलब होता है कि फर्टिलिटी पीरियड ऑफ ह्यूमन फीमेल, और ये कब स्टार्ट होता है? एट द एज ऑफ पबर्टी। और पबर्टी की एज कब आती है? 10 to 12 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है ना। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि फीमेल के पास दो ओवरीज होती हैं, और जैसे ही पबर्टिल एज अचीव करती है फीमेल तो ओवरीज हैं, दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एग और ओवम। लेकिन एक बात याद रखना, दे डू नॉट रिलीज देयर ओवा वन टाइम, कि दोनों ओवरी इकट्ठे दोनों एग रिलीज नहीं करेगी, एक टाइम में एक ही एग रिलीज होगा। एंड इट इज फिक्स्ड कि अगर फर्स्ट टाइम एग राइट ओवरी से आया तो सेकेंड टाइम लेफ्ट से आएगा, एंड इन द नेक्स्ट मंथ अगेन राइट देन लेफ्ट। इन दिस वे दैट मीन्स ओवरीज दे न्यू, दे लर्न, और यू कैन से दे न्यू वेरी वेल दैट हुज टर्न इज देयर टू रिलीज द एग, कि टर्न किसकी है, राइट की है लेफ्ट की है। अगर पिछले मंथ में राइट से आया तो इस मंथ में लेफ्ट से आएगा, क्लियर। तो ये टर्न होती है, एंड यू कैन से यहां पर जो पीरियड रहता है दोनों ओवरीज के बीच में, कि अगर एक बार राइट से आया तो इनमें 28 to 30 डेज का टाइम बीच में रहता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि इफ वन एग इज रिलीज फ्रॉम द राइट ओवरी ऑन द 1st October, कि एक एग हम कहते हैं कि लेफ्ट ओवरी से अक्टूबर में रिलीज हुआ 1st October को, द नेक्स्ट एग और ओवम इज रिलीज फ्रॉम द राइट ओवरी, मतलब 28वें या 30वें दिन रिलीज होगा, तो ये गैप रहता है बीच में इतना सारा, ठीक है ना। एंड ये जो रिलीज ऑफ ओवा और एग की हम बात कर रहे हैं, कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन एस्ट्रोजन विच इज रिलीज्ड बाय द, यू कैन से, डेवलपिंग फॉलिकल। जो फॉलिकल की बात हमने लास्ट टाइम आपको बताई थी कि ओवरी के अंदर फॉलिकल्स डेवलपमेंट होते हैं जिसके अंदर एग होता है, और वही फॉलिकल्स क्या करती हैं, एस्ट्रोजन सीक्रेट करती हैं, और ये जो एस्ट्रोजन है ये हेल्प करता है इसमें ओवा के प्रोड्यूस होने में, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही हम वन बाय वन पॉइंट लेंगे, उनको डिस्कस करेंगे, और फिर हम उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टडी करेंगे, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के अब जो डिफरेंट इवेंट्स हैं वो हम डिटेल में करेंगे, कि हमारे पास जो फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें तीन स्टेजेज आती हैं। पहला स्टेज होता है ब्लीडिंग फेज, दूसरा फेज होता है प्रोलिफरेटिव फेज, और तीसरा फेज होता है सीक्रेटरी फेज। ये तीन फेजेज हम स्टडी करेंगे, और लास्ट में इस लेक्चर के हम यहाँ पर मीनार्क और मीनोपोज के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि मीनोपोज क्या होता है और मीनार्क क्या होता है। सो लेट अस स्टार्ट विद द सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल। द फर्टिलिटी पीरियड ऑफ ह्यूमन फीमेल, द फर्टिलिटी पीरियड ऑफ ह्यूमन फीमेल, ठीक है ना, बिगिंस एट द एज ऑफ, बिगिंस
एट द पॉबर्टी एट द एज ऑफ 10 to 12 years. दस से 12 साल के बीच में पॉबर्टल एज अचीव कर ली जाती है, ठीक है ना. एंड द टू ओवरी स्टार्ट्स रिलीजिंग द टू ओवरीज स्टार्ट्स रिलीजिंग, क्या रिलीज करती है, ओवा, या इसको हम एग बोल सकते हैं, ठीक है ना. ओवा और एग सीक्रेट करना स्टार्ट करें, बट डू नॉट रिलीज देयर ओवा वन टाइम, बट डू नॉट रिलीज देयर ओवा वन टाइम, कि अपने ओवा को एक ही साथ रिलीज नहीं करते हैं, ठीक है ना. दे अल्टरनेटिवली रिलीज, दे अल्टरनेटिवली रिलीज, उनको वो अल्टरनेटिव डेज पे रिलीज देयर ओवा वन आफ्टर अदर, देयर ओवा वन आफ्टर अदर, कि एक के बाद एक रिलीज करेगी. अगर एक राइट ने किया है तो दूसरी अब लेफ्ट से होगा. द यू कैन से द पीरियड बिटवीन द रिलीज ऑफ ओवा, द पीरियड बिटवीन द रिलीज ऑफ ओवा, कि दोनों के बीच में कितना डिफरेंस रहेगा, इज जनरली 28 to 30 days, इज जनरली 28 to 30 days, ठीक है ना. कि जो पीरियड की हम बात करते हैं कि दोनों के बीच में कितना डिफरेंस रहेगा, वो 28 to 38 days का डिफरेंस रहता है, ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल, इफ वन एग, क्या है, इफ वन एग और ओवा, इफ वन ओवम और एग रिलीज्ड बाय लेफ्ट ओवरी, कि लेफ्ट ओवरी से एक एग रिलीज किया जाता है, ठीक है ना, ऑन फर्स्ट अक्टूबर, ऑन फर्स्ट अक्टूबर, ठीक है ना. द नेक्स्ट एग और ओवम, द नेक्स्ट एग और ओवम इज रिलीज्ड, कब रिलीज होगा, फ्रॉम राइट ओवरी, इज ओवम इज रिलीज्ड फ्रॉम राइट ओवरी, और डेट क्या होगी, वो 28 भी हो सकती है और वो 30th भी हो सकती है, ऑन 28 to 30 अक्टूबर, क्लियर. तो ये टाइम पीरियड के साथ हमने एग्जांपल के साथ आपको बता दिया. अब बात करते हैं कि जो यहां पर ओवर रिलीज होता है ये किसके कंट्रोल में होता है. द ओवर रिलीज्ड इज कंट्रोल्ड बाय द रिलीज ऑफ ओवा और एग इज कंट्रोल्ड बाय, कौन कंट्रोल करता है, एस्ट्रोजन, जिसको हम कहते हैं फीमेल हार्मोन, ठीक है ना, विच इज रिलीज्ड फ्रॉम, विच इज रिलीज्ड फ्रॉम डेवलपिंग, दैट इज फॉलिकल्स, फ्रॉम डेवलपिंग फॉलिकल्स,
कि जो फॉलिकल डेवलप हो रही है जिसके अंदर एग प्रेजेंट होता है वो ही एस्ट्रोजन को सीक्रेट करती है, और वो एस्ट्रोजन कंट्रोल करता है किसको, ओवा की रिलीज को ये कंट्रोल करता है, ठीक है ना। और हम यहाँ पे बच्चों ये भी पढ़ सकते हैं कि ईच साइकिल लास्ट फॉर 28 to 30 days, ईच साइकिल लास्ट फॉर 28 to 30 days। कहने का मतलब क्या हुआ, इसका कहने का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना सा है कि वन ओवम रिलीज्ड इन वन साइकिल, ठीक है ना, दैट इज वन ओवम इज रिलीज्ड इन वन साइकिल, कि जब एक साइकिल होती है कंप्लीट तो उसमें एक ही ओवा रिलीज होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी मंथ फीमेल इज सेक्रेटिंग वन एग, ठीक है ना। फिर बात कर लेते हैं कि ये जो सेक्रेशन होती है ये किसके अंडर होती है, कि ये जो सारा कंट्रोल हम देख रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, ये कंट्रोल होता है, जैसे कि आपने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ा है वहाँ पर आपको बताया गया था हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बारे में। तो हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी कंट्रोल सेंटर है प्रोडक्शन ऑफ द गैमेट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी यही चीज़ होती है कि जो हाइपोथैलेमस है कमांड देता है किसको, पिट्यूटरी को, टू सीक्रेट टू हार्मोन FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH विच इज कॉल्ड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एंड दीज हार्मोन एक्ट ऑन द ओवरी, ये ओवरी को ऊपर एक्ट करेंगे एंड अदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और अदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर एक्ट करेंगे और वहाँ से गैमेट्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। तो बच्चों इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। यू कैन से द कंट्रोल सेंटर फॉर प्रोडक्शन ऑफ द कंट्रोल सेंटर फॉर प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स इज हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी। ये कंट्रोल सेंटर हैं हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी, जो ब्रेन का पार्ट है, ठीक है ना। अब यहां पे हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट पिट्यूटरी टू रिलीज गोनेडोट्रोपिन्स, क्या रिलीज करेंगे, टू रिलीज गोनेडोट्रोपिन्स। और यहां पे गोनेडोट्रोपिन्स क्या है, FSH जिसका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड दूसरा है LH जिसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दो हार्मोन रिलीज होते हैं विच एक्ट, दीज हार्मोन एक्ट एज दीज हार्मोन एक्ट किसके ऊपर एक्ट करेंगे, ऑन ओवरी एंड अदर स्ट्रक्चर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एंड अदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो ये हमारे पास कंट्रोल होता है यहाँ पे कि गैमेट्स का प्रोडक्शन अंडर द यू कैन से इन्फ्लुएंस ऑफ हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी, ठीक है बच्चों। तो अब बात करते हैं जो साइकिल की हमने बात की है, फीमेल के अंदर एक साइकिल चलती है, इस साइकिल को हम नाम देते हैं यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल, हम इसको कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिफाइन करेंगे, ठीक है, साइंटिफिक टर्म है मेंस्ट्रुअल साइकिल,
अब हम बच्चों करेंगे डिटेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो सेक्सुअल साइकिल की हम बात करें ना, सेक्सुअल साइकिल क्या होता है फीमेल के अंदर? मेंस्ट्रुअल साइकिल। और मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है फीमेल में? यू कैन से द साइकिल ऑफ इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दैट इज ओवरी एंड यूट्रस अंडर द यू कैन से कंट्रोल ऑफ सेक्स हार्मोन इन एवरी 28 डेज एंड मार्क्ड बाय ब्लीडिंग और यू कैन से मेंस्ट्रुअल फ्लो इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल और यू कैन से सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल्स। क्लियर? तो कैसे लिखेंगे? साइक्लिक, द साइकिल ऑफ इवेंट्स, द साइकिल ऑफ इवेंट्स कि एक तरह के साइक्लिक इवेंट्स हैं टेकिंग प्लेस इन फीमेल रिप्रोडक्टिव इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन फीमेल रिप्रोडक्टिव की जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहाँ कहाँ होते हैं? दैट इज ओवरीज एंड यूट्रस, इनमें होते हैं बेटे ये साइक्लिक इवेंट दोनों के अंदर, ओवरी में भी होंगे और यूट्रस में होंगे। अंडर द कंट्रोल ऑफ अंडर द कंट्रोल ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन, ठीक है ना? फीमेल सेक्स हार्मोन क्या है आपको पता है? एस्ट्रोजन, ठीक है ना? ये एस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में कंट्रोल में होता है इन एवरी 28 डेज, इन एवरी 28 डेज, जिसको हिंदी में महावारी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? महावारी। एंड इज मार्क्ड बाय एंड इज मार्क्ड बाय ब्लीडिंग फेज। एक फेज आता है इसमें ब्लीडिंग होती है। क्या होती है? ब्लीडिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल फ्लो और मेंस्ट्रुअल फ्लो एंड इट इज वेरी कंपल्सरी। इसी को हम बोलते हैं इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। और यू कैन से सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल। ठीक है बच्चों? तो ये जो साइंटिफिक टर्म है इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, जो सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल की हम बात की है। अब बात करेंगे कि जो इवेंट्स, जो साइक्लिक इवेंट्स हैं विच अकरिंग इन द ओवरीज एंड यूट्रस, उन इवेंट्स को जरा हम डिस्कस करते हैं, ठीक है ना? सर्टेन इवेंट्स इन साइक्लिक मैनर, ठीक है ना? द इवेंट्स विच अकरिंग इन यूट्रस एंड ओवरीज। कुछ इवेंट मैं आपको बता रहा हूँ और साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन लिखता जाएंगे यहाँ पे, कि एक तरफ मैं डेट्स लिखूंगा और डेट्स बच्चों ये एज एग्जाम्पल हैं, ये फिक्स नहीं है कि यही डेट्स होंगी, ठीक है? वो आगे पीछे भी हो सकती है, ठीक है ना? एग्जाम्पल ऑफ डेट्स इधर मैं लिखूंगा, एग्जाम्पल ऑफ डेट्स ठीक है ना, जो यू कैन से गिवन फॉर ओनली अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर जो डेट्स दी जाएंगी वो अंडरस्टैंडिंग के लिए होंगी, ना कि वो फिक्स हो जाएंगी, ठीक है ना? एट इवेंट्स ऑफ यू कैन से ओजेनेसिस एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, इधर मैं लिखूंगा इवेंट्स ऑफ
ऑफ ओजेनेसिस, ओजेनेसिस होता है एग का बनना, ठीक है ना, ओजेनेसिस एंड फिर जो यूट्रस के अंदर जो चेंजेस आते हैं, मीन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल। इनको आपने वन बाय वन ऐसे ही समझते जाना है, ठीक है ना। सबसे पहला हम मानते हैं कि जो मैं डेट्स दे रहा हूं, इसको हम मेंस्ट्रुएशन पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल पीरियड। और यू कैन सी विच इज मार्क्ड बाय द ब्लीडिंग फेज। जो मैंने ये बात की है कि इस फेज में ब्लीडिंग होगी, मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा अगर फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ एग का, ठीक है ना। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो हम एक्सपेक्टेड डेट मान लेते हैं फर्स्ट डे टू फिफ्थ डे, किसी भी मंथ का हो सकता है, ठीक है ना। फर्स्ट डे टू फिफ्थ डे ऑफ एनी मंथ, ये एक्सपेक्टेड डेट हम बता रहे हैं। इसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल पीरियड बोलो और ब्लीडिंग फेज बोलो, क्योंकि इसमें फीमेल क्या करेगी, ब्लीड करेगी, ब्लीडिंग आएगी 1 से 5 दिन, ठीक है ना। डेट वो 1 से स्टार्ट करो, मतलब वो 5 से स्टार्ट हो, 10 से स्टार्ट हो, वो अलग मैटर है। हमने तो एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बताया है, ठीक है ना। अब इसमें पहला पॉइंट हम क्या देखते हैं, चेंज जो इवेंट जो ऊजेनेसिस का होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल में, क्या होगा कि इन केस ऑफ फर्टिलाइजेशन नॉट अकर्स, इन केस ऑफ फर्टिलाइजेशन नॉट अकर्स, कि फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ, ठीक है ना, देन द थिकेंड लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, द थिकेंड लाइनिंग ऑफ द यूट्रस ब्रेक डाउन। तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगी जो लाइन, एंडोमेट्रियम का मतलब क्या होगा, एंडोमेट्रियम विल ब्रेक डाउन अलोंग विद ब्लड वेसल्स, अलोंग विद ब्लड वेसल्स एंड म्यूकस भी आएगी, क्योंकि वहां म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स भी होंगे, ये सारा इकट्ठा आएगा, लाइनिंग ब्रेक डाउन हो जाएगी और म्यूकस के साथ ये सारा का सारा जो फ्लो है, ठीक है ना, मूव्स आउट ऑफ द वेजिना, मूव्स आउट ऑफ द वेजाइना, कि वेजाइना से ये सारा बाहर आएगा इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग, इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग, ठीक है ना। आप मतलब फीमेल को लगता है कि ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, एंडोमेट्रियम है, और यू कैन से उसके अंदर थोड़ा सा ब्लड भी है, ब्लड वेसल्स भी हैं और म्यूकस भी है, जिसको हमने क्या नाम दिया, मेंस्ट्रुएशन पीरियड इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन पीरियड, इसको नाम दिया है। आई थिंक इट इज क्लियर। नाउ कम टू द सेकेंड चेंज जो आएगा। अब हमने बोला कि वहां पर FSH और ल्यूटराइजिंग हार्मोन भी रिलीज होते हैं, तो ये जो FSH है यहां पे सेकेंड पॉइंट, FSH जिसको क्या नाम बोला, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेट डेवलपमेंट ऑफ, स्टिमुलेट डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी ओसाइट इनटू प्राइमरी फॉलिकल, कि फीमेल के अंदर जो प्राइमरी ओसाइट हैं वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे इसमें प्राइमरी फॉलिकल्स में। और फॉलिकल मैंने आपको बोला था बच्चों कि अगर ये एग है, ठीक है ना, तो इसकी ये अभी प्राइमरी ओसाइट है, ठीक है ना, जब इसके ऊपर सेल्स की लेयर ऐसे बननी स्टार्ट हो जाएंगी, ऐसे बहुत सारी लेयर्स बननी स्टार्ट हो जाएंगी, तो सपोज ये प्राइमरी फॉलिकल है, और लेयर्स बढ़ जाएंगी तो ये सेकेंडरी फॉलिकल बन जाएगी। डिपेंड करता है कि इसके चारों तरफ कितनी सारी लेयर्स हैं, लेयर्स का नंबर ऐसे बढ़ता है, फॉलिकल सेल्स ऐसे इंक्रीज करते हैं इसकी सराउंडिंग में, और इसका साइज भी इंक्रीज करता है, तो ये सेकेंडरी फॉलिकल। इस तरह से
कुछ स्टेजेज आएंगी जो आप हायर क्लासेज में पढ़ोगे। सिर्फ आप अभी इतना समझ लो कि FSH स्टिमुलेट करता है प्राइमरी ओसाइट को इनटू प्राइमरी फॉलिकल, वो प्राइमरी फॉलिकल में डेवलप हो जाती है, ठीक है ना। क्योंकि जो प्राइमरी ओसाइट की फॉर्म में फीमेल के अंदर 50,000 टू 80,000 प्राइमरी ओसाइट ऑलरेडी बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं। बस यह कि ये जो फॉलिकल्स हैं ये फीमेल्स के अंदर क्या होंगे, ये बनना और स्टिमुलेशन आफ्टर द पबर्टी आता है, क्लियर। नेक्स्ट आता है द डेवलपिंग फॉलिकल रिलीज। अब जो डेवलपिंग फॉलिकल होएगी वो रिलीज करेगी क्या, हार्मोन एस्ट्रोजन रिलीज करेगी। वो क्या रिलीज करेगी, हार्मोन एस्ट्रोजन यहां पर वो रिलीज करती है, ठीक है ना। लेकिन अब यहां पर बच्चों डेट का याद रखना कि ये जो तीसरे जो इवेंट की मैं बात कर रहा हूं, इट अकर्स इन द यू कैन से फर्स्ट डे टू 14th डे। नेक्स्ट डेट मैं आपको दे रहा हूं यहां पे, फर्स्ट डे से लेके 14th डे तक ये चेंजेस आएंगे जो अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। मैं जो थर्ड पॉइंट पर डिस्कस करने जा रहा हूं, अब थर्ड पॉइंट क्या है यहां पे कि जो एस्ट्रोजन है जो फीमेल हार्मोन की हम बात करते हैं, विच स्टार्ट रिपेयरिंग द यू कैन से एंड डेवलपमेंट ऑफ द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, कि यूट्रस के अंदर जो ब्रेकडाउन हुआ था वो दोबारा से जो लाइनिंग है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। द डेवलपिंग फॉलिकल रिलीज, द डेवलपिंग फॉलिकल्स रिलीज, कि ये जो फॉलिकल डेवलप हो रही हैं ये क्या रिलीज करेंगी, रिलीज हार्मोन एस्ट्रोजन। ये हार्मोन एस्ट्रोजन रिलीज हो गया। अब ये एस्ट्रोजन हार्मोन क्या काम करेगा, विच स्टार्ट्स रिपेयरिंग किसकी रिपेयर करनी स्टार्ट कर देगा, रिपेयरिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ लाइनिंग ऑफ यूट्रस। इसका मतलब जो एंडोमेट्रियम है वो दोबारा से बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। एंड फैलोपियन ट्यूब इनका डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है फीमेल के अंदर, ठीक है ना। इट आल्सो रेगुलेट मैचुरेशन ऑफ द ओवम, कौन, ये एस्ट्रोजन। इट आल्सो हेल्प्स इन मैचुरेशन ऑफ ओवम, कि जो ये प्रोसेस हो रही है ना, जो फॉलिकल डेवलप हो रहे हैं इसमें भी ये हेल्प करता है कि एग जो है वो मैच्योर हो जाए, ठीक है ना। अब बात आती है यहां पर, ये तीन पॉइंट कंप्लीट हो गए, ठीक है ना। अब आते आते हैं जो हार्मोन है, वो हार्मोन एक और रिलीज होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन दूसरा क्या काम करता है, एस्ट्रोजन बिल्ड अप द कंडीशंस सो दैट द मैच्योर ओवम इज रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी एंड विच पासिस इनटू द फैलोपियन ट्यूब। तो फोर्थ पॉइंट में ऊपर ले लेता हूं बच्चों यहां से, तो एक तरफ हमने क्या लिखी हुई है, डेट्स लिखी हुई हैं, एक्सपेक्टेड डेट्स, और एक तरफ हमने इवेंट्स लिखे हुए हैं। बस ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। इवेंट्स मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा दिया कि इवेंट्स वो कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब फोर्थ पॉइंट आएगा हमारे पास। फोर्थ पॉइंट क्या होगा कि जो हार्मोन है एस्ट्रोजन, द हार्मोन एस्ट्रोजन, ये और क्या काम करता है, बिल्ड अप कंडीशन सो दैट बिल्ड अप कंडीशंस, कि ऐसी कंडीशंस बना देगा दैट द मैच्योर ओवम इज रिलीज्ड कंडीशंस, देन मैच्योर ओवम इज रिलीज्ड, कि ताकि मैच्योर जो एग हो चुका है
वो रिलीज हो जाए फ्रॉम द ओवरी, फ्रॉम द ओवरी विच इज ट्रांसफर्ड और पासिस टू, विच इज पासिस टू फैलोपियन ट्यूब। तो ये सारा का सारा फर्स्ट डे टू फोर्टींथ डे हो जाना चाहिए। लेकिन एस्ट्रोजन क्या काम कर रहा है कि ऐसी कंडीशंस बढ़ा देता है कि जो मैच्योर एग है वो ओवरी से रिलीज होके फैलोपियन ट्यूब में चला जाए, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट आता है फोर्टींथ डे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट डे ऑन विच एग इज रिलीज। ये फिक्स्ड डेट होते हैं बच्चों कि मिड होता है, हमने बोला कि 28 डेज का साइकिल है तो इसका मिड क्या हुआ 14 हुआ, तो 14 इज द डेट ऑन विच एग इज रिलीज्ड। एग इस दिन रिलीज होगा ही होगा और यू कैन सी इट इज द एक्सपेक्टेड डे ऑफ द रिलीज ऑफ द एग, ठीक है ना। तो यहां पर जो नेक्स्ट डेट हम लिखेंगे यहां पे, अब यहां पे 14th डे लिखा हमने, तो अब यहां पे हम डेट दे रहे हैं 14th डे की हम अगर बात करते हैं, यहां पर एग रिलीज होता है, ठीक है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे रिलीज ऑफ एग, फिफ्थ पॉइंट, रिलीज ऑफ एग और ओवम फ्रॉम द ओवरी इसको हम कहते हैं ओवुलेशन, क्या कहेंगे कॉल्ड ओवुलेशन। और एक चीज और याद रखना बच्चों, जब 14th डे आता है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इस दिन ओवुलेशन होगा ही होगा कि एग इज रिलीज्ड ऑन दिस 14th डे मिड ऑफ द यू कैन से सेक्सुअल साइकिल। और इस कंडीशन में क्या होगा, जो FSH की हम बात करते हैं ना और जो हम LH की बात करते हैं ये फीमेल में ज्यादा होता है, इसका जो कंसंट्रेशन है वो मैक्सिमम पे होता है फीमेल के अंदर, कि ये जो दो हार्मोन है FSH एंड LH दे आर इन हायर कंसंट्रेशन इन द फीमेल ऑन द 14th डे एंड ऑन द 14th डे रिलीज ऑफ ओवम और एग फ्रॉम द ओवरी विल अकर्स। नेक्स्ट आता है 15th टू 28th, अब लास्ट उस पर आ गए हम फेज पे, फिफ्टींथ टू 28th डे, क्योंकि 28 डे का ही साइकिल होता है। अब इसके बाद क्या इवेंट होता है देखिए जरा, 15th से 28th डे की हम बात करेंगे, यहां पर जो नेक्स्ट इवेंट है वो क्या होगा, द रिमेनेंट्स ऑफ द सेल्स ऑफ द फेल, क्योंकि यहां पर आपने देखा कि एग रिलीज हो चुका है तो अब फॉलिकल सेल्स वहां पर बचते हैं, ठीक है ना। तो 6th इवेंट में क्या होगा, द रिमेनिंग सेल्स ऑफ मैच्योर फॉलिकल, ठीक है जी, फॉलिकल जब बस्ट हुआ, ठीक है ना, फॉर्म्स क्या बना देंगे, वो फॉर्म्स कॉर्पस ल्यूटियम बना देंगे एंड दिस कोर्स ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट कॉर्पस ल्यूटियम विच सीक्रेट अनदर हार्मोन, हार्मोन क्या है, प्रोजेस्टेरोन, कौन सा हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा, ठीक है ना। अब ये जो प्रोजेस्टेरोन है ये स्टिमुलेट करेगा यूट्रस को टू मेंटेन इट्स थिकनिंग, विच स्टिमुलेट यूट्रस टू रिटेन इट्स टू मेंटेन इट्स टू मेंटेन्स इट्स थिकनिंग, ये अपनी थिकनिंग को क्या करे, मेंटेन करे, एज वेल एज ग्लैंडुलर एक्टिविटी, एज वेल एज ग्लैंडुलर एक्टिविटी। और जो ग्लैंडुलर एक्टिविटी वहां पर जो म्यूकस सीक्रेट हो रही है, ठीक है ना, वहां पर
इन द यूट्रस एंड द वजाइना, वो भी रिज्यूम हो जाए, ग्लैंडुलर एक्टिविटी इन यूट्रस एंड वजाइना। ठीक है बच्चों, और क्या क्या चेंजेस हम देखते हैं? देखिए जरा सेवंथ पॉइंट में, अब और कौन सा इवेंट में क्या चेंजेस देखते हैं कि हमने ये देख लिया कि जो ओवरी है, ओवरी से एग रिलीज हो चुका है, और जब एग रिलीज हुआ तो रिमेनेंट सेल्स ने कॉर्पस लूटियम बढ़ा दिया, और कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरोन रिलीज हो गया। प्रोजेस्टेरोन ने क्या किया, यूट्रस को स्टिमुलेट किया कि आप अपनी थिकनिंग को मेंटेन रखें और ग्लैंडुलर एक्टिविटी को मेंटेन रखें, ठीक है ना। उसके बाद रिलीज ऑफ प्रोजेस्टेरोन इज एसोसिएटेड विद द इंक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द फीमेल। हमें पता है कि जब मेंस्ट्रुएशन पीरियड में होती है फीमेल, जब वो यू कैन से रिप्रोडक्टिव होती है, फीमेल का जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल से ज्यादा रहता है, तो रिलीज ऑफ प्रोजेस्टेरोन बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, नोट करना इस चीज को, एक नंबर में बहुत बार पूछा जाता है। प्रोजेस्टेरोन इज एसोसिएटेड विद कि जो फीमेल का बॉडी टेम्परेचर है, इंक्रीज ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ठीक है ना, बॉडी टेम्परेचर ऑफ द फीमेल, मतलब क्या होगी, फीमेल का जो बॉडी टेम्परेचर है थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, और वो किसके कारण होता है, बिकॉज ऑफ द प्रोजेस्टेरोन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखने वाला फैक्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट ये आठवां पॉइंट कि सपोज अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है, फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द फैलोपियन ट्यूब, ठीक है ना, बट द एम्ब्रियो डेवलपमेंट अकर्स इन द यूट्रस, ठीक है ना। इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स इन फैलोपियन ट्यूब बट डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो अकर्स इन यूट्रस, ठीक है ना। दो चीजें याद रखनी है कि जो फर्टिलाइजेशन की साइट है फैलोपियन ट्यूब है, लेकिन जो अदर डेवलपमेंट है फीटस की पोस्ट फर्टिलाइजेशन, वो यूट्रस के अंदर होंगे। लास्ट पॉइंट इवेंट्स का, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इफ नो फर्टिलाइजेशन अकर्स, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता एग का, ठीक है ना, तो दोबारा से जो साइकिल हमने बिगिन की थी ऑन द फर्स्ट टू फिफ्थ डे, वो दोबारा से स्टार्ट हो जाए, मेंस्ट्रुएशन विल बिगिंस, ठीक है। देन मेंस्ट्रुएशन साइकिल बिगिंस और स्टार्ट्स, और यू कैन से मेकिंग द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट साइकिल, तो नेक्स्ट मंथ में जो फीमेल है फिर दोबारा से इन्हीं चेंजेस से होके वो गुजरती है। तो इस तरह से बच्चों, दीज आर द डिफरेंट यू कैन से चेंजेस विच अकरिंग, और यू कैन से इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग द फीमेल सेक्सुअल साइकिल। ये इवेंट्स हैं बच्चों जो आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। अब दो टर्म और पढ़ेंगे हम, वो टर्म क्या है, मीनार्क एंड मीनोपोज, ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं मीनार्के, दो टर्म पढ़ेंगे मीनार्क
मीनार का मतलब होता है बच्चों एट पबर्टी द कमेंसमेंट ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, एट पबर्टी द कमेंसमेंट ऑफ मेंस्ट्रुएशन क्या है कि कमेंसमेंट ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, कि मेंस्ट्रुएशन का स्टार्ट होना, और यू कैन से इट इज द बिगिनिंग ऑफ द, यू कैन से रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ द फीमेल। तो इसको हमने कमेंसमेंट ऑफ द मेंस्ट्रुएशन इज टर्म्ड एज मीनार्के, इतनी सी बात याद कर लो, इसको हम मीनार्के कहेंगे। लेकिन यहां पर हम ये कह सकते हैं इट मेक्स, इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव लाइफ, इट मार्क्स द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ ह्यूमन फीमेल। ये मार्क है एक तरह से, बिगिनिंग है, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं जो फीमेल है वो अब रिप्रोडक्टिव हो गया है, विच यू कैन से कंटिन्यू टू टिल, विच कंटिन्यू टू टिल द एज ऑफ 50 ईयर्स, 50 साल तक, और यू कैन से 50 से लेके 55 ईयर्स तक जो फीमेल है वो ईयर्स, इंडियन फीमेल्स ओनली, इंडियन फीमेल्स उनकी रिप्रोडक्टिविटी 50 से 55 मीन्स एवरेज 50 साल की रहती है, कि जो फीमेल है इट कंटिन्यूसली रिप्रोडक्टिव थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है ना। और इसके बाद नेक्स्ट आता है अब हमारे पास मीनोपोज। छोटी छोटी टर्म्स है बच्चों, ये याद रखनी है आपको, मीनोपोज। मीनोपोज का मतलब होता है कि जब फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो स्टॉप हो जाती है आफ्टर द एज ऑफ 50 इयर्स, आफ्टर द एज ऑफ 50 इयर्स, 50 साल के बाद, ठीक है ना, फीमेल के अंदर क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन स्टॉप्स, मेंस्ट्रुएशन स्टॉप्स, मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाएगी, इसका मतलब क्या हुआ, द यू कैन से इट इज द सेसेशन ऑफ, क्या है ये, इट इज द सेसेशन ऑफ द जो सेक्सुअल इवेंट फीमेल के अंदर हो, साइक्लिक इवेंट इन ओवरी, साइक्लिक इवेंट्स इन द ओवरी, कि जो ओवरी के अंदर हम कह रहे हैं कि प्राइमरी ओसाइट प्राइमरी फोलिकल में कन्वर्ट हो रहा है, फिर वो मैच्योर फोलिकल में कन्वर्ट हो रहा है, एंड यूट्रस और जो यूट्रस के अंदर जो लाइनिंग का ब्रेकअप हो रहा है अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स, अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स, ये क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, ठीक है ना। एंड स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो, एंड स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो, कि जो ब्लीडिंग है ना वो भी स्टॉप हो जाती है, ठीक है ना, जब जो लेडीज है वो 45 या 50 इयर्स को क्रॉस कर जाती है, मेंस्ट्रुअल फ्लो रुक जाता है, इज टर्म्ड एज मीनोपोज। सो बच्चों दीज आर द, यू कैन से, सेक्सुअल साइकल्स इन फीमेल्स। देखो कितनी कॉम्प्लेक्सिसिटी है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में, तो दीज कॉम्प्लेक्सिसिटी यू कैन से गवर्न्ड बाय नेचर ओनली, वी कांट, यू कैन से मेक एनी चेंजेस इन दीज इवेंट्स आर्टिफिशियली, हम इनमें से कोई चेंज नहीं कर सकते, दीज आर नेचुरली अकरिंग प्रोसेसेस इन फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। तो नेक्स्ट हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक रहेगा बच्चों वो है फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन में हम बच्चों ये देखेंगे किस तरह से एक जो ऑफस्प्रिंग बनता है
क्या क्या इवेंट्स उसके लिए होते हैं कि फर्टिलाइजेशन से पहले के इवेंट क्या रहेंगे और फर्टिलाइजेशन के होने के बाद के इवेंट क्या रहेंगे, वो सारा हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू।